हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी किसी कारणवश। दोस्तों, आज का टॉपिक है फुटबॉल का इतिहास। फुटबॉल के इतिहास की संपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। एंड चलिए जानते हैं फुटबॉल के इतिहास के बारे में। दोस्तों, फुटबॉल को सबसे पहले मिस्र में खेला गया था एंड मिस्र में किस नाम से खेला जाता था? हरपास्टिन के नाम से, ठीक है, और चीन में सूचू के नाम से। तो फुटबॉल का पुराना नाम क्या है? मिस्र में इसको हरपास्टिन बोला जाता था और चीन में सूचू के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि सूचू किस खेल का पुराना नाम है या हरपास्टिन किस खेल का पुराना नाम है, या फुटबॉल को मिस्र में क्या कहा जाता था या चीन में क्या कहा जाता था। तो मिस्र में हरपास्टिन और चीन में सूचू के नाम से इसको जाना जाता था। फिर यहाँ से यूरोप में गया, यूरोप से इंग्लैंड में पहुँचा एंड इसका असली जन्मदाता, असली विकास जो हुआ वो इंग्लैंड में हुआ, इसलिए इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है एंड 12वीं सदी में इसका विकास हुआ। एंड जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में मंगलवार के दिन जो है वो महान फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता था उस समय, ठीक है। इंग्लैंड में मंगलवार का दिन जो है महान फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता था। उस दिन संपूर्ण कार्य वहाँ पर बंद होता था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस खेल पर प्रतिबंध लग गया। इस खेल पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो 1913 में सम्राट एडवर्ड द्वितीय ने सैनिक कारणों से इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। बट हुआ ऐसा कि प्रतिबंध लगाने पर भी ये खेल और लोकप्रिय होता चला गया, रुका नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसका सार्वजनिक, इसका सबसे पहले नियम बना 1815 में इटोन कॉलेज ने इसका नियम बनाया सर्वप्रथम। तो फुटबॉल के सर्वप्रथम नियम कौन बनाया? 1815 में इटोन कॉलेज ने बनाया, ठीक है। फुटबॉल का सर्वप्रथम नियम किसने बनाया, कब बना? 1815 में इटोन कॉलेज ने बनाया। और इसका पहला सार्वजनिक नियम, पहला सार्वजनिक नियम किसने बनाया? 1863 और 1886 में इसका सार्वजनिक नियम बना। और इसके नियम को विश्व स्तर पर फुटबॉल के नियम को विकसित और सुरक्षित रखने के लिए IFAB का गठन हुआ, यानी कि द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड का गठन हुआ, यानी कि ये विश्व स्तर पर फुटबॉल के नियम को सुरक्षित और विकसित करने करता है, ठीक है। और IFAB के साथ फीफा भी शामिल हुआ 1913 में। एंड फुटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता, यानी कि फुटबॉल का विश्व की प्रथम प्रतियोगिता जो है 1871 में FA कप, यानी एसोसिएशन कप है, जो चार्ल्स एलकॉक यानी फुटबॉल संगठन के तत्कालीन सचिव के प्रयत्नों से हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है कि फुटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता कौन है या किस नाम से जाना जाता है। तो FA कप, एसोसिएशन कप 1871 में चार्ल्स एलकॉक के प्रयत्नों से हुआ, जो वो फुटबॉल संगठन के तत्कालीन सचिव थे उस समय, ठीक। और फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? पहली प्रतियोगिता तो 1871 में FA कप, एसोसिएशन कप हुआ, और उसका अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया 30 नवंबर 1872 में, ठीक है। 30 नवंबर 1872 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो गोल रहित रहा, ठीक है। अब फुटबॉल की पहली लीग प्रतियोगिता जो है 1888 में विलियम मैकग्रेग ने शुरू की, ठीक है। फुटबॉल की पहली लीग प्रतियोगिता कब हुई, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि फुटबॉल की पहली लीग प्रतियोगिता कब हुई? 1888 में विलियम मैकग्रेग ने शुरू की। इसके पहले विजेता जो थे इस प्रतियोगिता के, प्रेस्टन नॉर्थ एंड, ठीक है। पहले विजेता कौन थे? प्रेस्टन नॉर्थ एंड। एंड फुटबॉल का पहला क्लब जो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जो 24 अक्टूबर 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत बार पूछा जाता है कि फुटबॉल का पहला क्लब क्या है, उसका क्या नाम है, तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब 24 अक्टूबर 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। एंड फुटबॉल का पहला संघ कौन है, तो 1863 में लंदन फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से लंदन में स्थापित किया गया था। एंड सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो है फीफा, जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे कि क्रिकेट के लिए आईसीसी है, खेलों को संचालन करने के लिए, उसी प्रकार फीफा जो है फुटबॉल के विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों को आयोजित कराने वाली संस्था है। यानी कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों को कौन आयोजित कराता है, तो फीफा कराता है। ठीक है, फीफा फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये फीफा का क्या कार्य है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों को आयोजित कराने वाली संस्था है। यानी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघों को क्या करती है, आयोजित कराती है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में। 7 देशों ने मिलकर इसको किया था, जिसमें से बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क एवं स्विट्जरलैंड थे। एंड इसका मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। क्या है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना, मुख्यालय, प्रथम अध्यक्ष, प्रधान अध्यक्ष। ठीक है, तो स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। एंड प्रथम अध्यक्ष जो है वो गुरिन, श्री गुरिन फ्रांस के थे। एंड वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो स्विट्जरलैंड के हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेंटिनो स्विट्जरलैंड के हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। एंड फुटबॉल की प्रथम विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता, यानी प्रथम विश्व कप शुरू हुआ। ठीक है, जैसे क्रिकेट का विश्व कप होता है और गेमों का विश्व कप होता है, उसी प्रकार फुटबॉल का भी विश्व कप होता है। जो प्रथम विश्व कप फुटबॉल की स्थापना जो है 13 जुलाई 1930 को हुआ। ठीक है, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में हुआ। ठीक है, तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल की कब शुरू हुआ, 13 जुलाई 1930 को, कहाँ पे, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब विश्व कप फुटबॉल इन सब के बारे में अलग से वीडियो विस्तार से बनाऊंगी, बट यहाँ पे इतना ही जानकारी आपके लिए आवश्यक है कि कब स्थापना हुआ था, कब शुरू हुआ था प्रथम विश्व कप फुटबॉल, तो 13 जुलाई 1930 को उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में। एंड एशियाई फुटबॉल संघ की स्थापना AFC, यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में। ठीक है, एशियन फुटबॉल संघ यानी AFC, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की स्थापना जो है 1954 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है कुआलालंपुर, मलेशिया है। एंड अफ्रीकी फुटबॉल संघ जो है 1956 में। एंड भारत की प्रथम प्रतियोगिता, ठीक है, भारत की, जैसे कि विश्व की प्रथम प्रतियोगिता यानी फुटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता एफ ए कप थी। ठीक है, कौन थी, एफ ए कप, विश्व की प्रथम प्रतियोगिता फुटबॉल की एफ ए कप एसोसिएशन कप, लंदन 1871 में इसको स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, एंड भारत की प्रथम प्रतियोगिता जो है वो डूरंड कप है। कौन सा है, डूरंड कप। विश्व की फुटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता एफ ए कप एसोसिएशन कप, लंदन 1871। एंड भारत की प्रथम प्रतियोगिता डूरंड कप शिमला, जो शिमला में 1888 में शुरू किया गया। ठीक है, शिमला में 1888 में आयोजित किया गया। एंड ध्यान देने वाली बात यह है कि डूरंड कप शिमला में 1888 में आयोजित किया गया था, और 1888 से 1940 तक शिमला में ही आयोजित होता रहा, बट अब यह है 1940 के बाद से अब दिल्ली में आयोजित होता है। तो अब इसको पूछेगा कि डूरंड कप कहाँ है, कहाँ पे आयोजित होता है, तो दिल्ली में। ठीक है, 1888 में आयोजित हुआ था शिमला में, और 1888 से 1940 तक शिमला में ही आयोजित होता रहा। एंड 1940 के बाद अब ये दिल्ली में आयोजित होता है डूरंड कप। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। एंड अन्य कप जो महत्वपूर्ण है, जो भारत में इस खेल को, फुटबॉल को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिताओं में आपका डूरंड कप आ जाता है। एंड एक रोवर्स कप आ जाता है जो मुंबई में है।
एंड IFA शील्ड कब है जो कोलकाता में आयोजित होता है, ठीक है। एंड फुटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है संतोष ट्रॉफी है, ठीक है। फुटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता क्या है, संतोष ट्रॉफी है, जो बांग्लादेश में स्थित है। एंड हेमनाथ राम चौधरी द्वारा इसको भेंट की गई थी। एंड सबसे महत्वपूर्ण है संतोष ट्रॉफी पूछ लेता है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कौन है संतोष ट्रॉफी। एंड ऐसे भी पूछता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 23 जून 1937 शिमला में हुआ था, ठीक है, 23 जून 1937 शिमला में हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल है। वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल मनोहर पटेल हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जो AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, ये जो है भारत में फुटबॉल खेल का नियंत्रण करता है एंड फुटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को आयोजित कराता है। नेक्स्ट है इसी का पहले का रूप, जैसे कि IFA इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1893 में पश्चिम बंगाल में फुटबॉल संघ का संचालन करने के लिए इसको आयोजित किया गया था, जिसका मुख्यालय कोलकाता, अध्यक्ष SB गांगुली है। इस समय आपको इसको चेक करना होगा, SB गांगुली है कौन है, ठीक है, इसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो IFA है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसका गठन 1893 में ही हुआ पश्चिम बंगाल में फुटबॉल संघ का संचालन करने के लिए, और ये जो है AIFF के ही अधीन आता है। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंतर्गत अधीन ही यह आता है, ठीक है। एंड जैसा कि मैं पहले इसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि विश्व कप फुटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता 13 जुलाई 1930 उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में हुई है। अब बट कुछ और महत्वपूर्ण है उसके बारे में, जैसे कि विश्व कप फुटबॉल 13 जुलाई 1930 उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में खेला गया, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। एंड फिर 17वीं विश्व कप प्रतियोगिता जो है 2002 दक्षिण कोरिया एंड उत्तर कोरिया के बीच खेला गया। एंड 18वीं विश्व कप प्रतियोगिता 2006 जर्मनी में खेला गया। एंड 19वीं विश्व कप प्रतियोगिता 2010 अफ्रीका में खेला गया। एंड 20वीं विश्व कप प्रतियोगिता 2014 ब्राजील में। एंड 21वीं विश्व कप प्रतियोगिता 2018 रशिया में खेला गया। और 22वां विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ होगा, 2022 का दोहा कतर में होगा। इसको ये पूछ सकता है कि विश्व कप फुटबॉल की 22वां विश्व कप प्रतियोगिता 2022 कहाँ पे होगा, तो दोहा कतर में, ठीक है। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात ये देख लेते हैं कि फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1908 में लंदन इंग्लैंड में किया गया, ठीक है। तो 1908 में फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया। एंड एशियाई खेलों में इसको शामिल किया गया 1951 नई दिल्ली भारत, ठीक है। तो ओलंपिक में कब शामिल किया गया फुटबॉल को, 1908 लंदन इंग्लैंड में। और एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, 1951 नई दिल्ली भारत में। एंड फुटबॉल में प्रथम अर्जुन अवार्ड जो है PK बनर्जी को 1961 में दिया गया, ठीक है। और प्रथम दौड़ाचार अवार्ड जो है फुटबॉल में सैयद नईमुद्दीन 1990 में इनको दिया गया। एंड ओलंपिक खेल में भारत ने पहली बार प्रतिभाग की यानी भाग कब लिया, तो 1948 लंदन इंग्लैंड में भारत ने पहली बार भाग लिया 14वां ओलंपिक में। और उस समय भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे टॉम बेंगल, ठीक है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे, टॉम बेंगल थे। और भारत जो है टीम अपना मैच पहला मैच 2-3 से फ्रांस से हार गई थी। अब भारत की तरफ से एकमात्र गोल किया था सारंगा पानी रमन ने, ठीक है।
भारत की तरफ से एकमात्र गोल किसने किया था? सरंगा पानी रमन ने, जब भारत ने पहली बार भाग लिया था 1948 में, ठीक है। एंड दूसरी बार भाग लिया था भारतीय फुटबॉल टीम ने 1952 में, यानी लगातार 48, 52, 56, 60 चार ओलंपिक में लगातार भारतीय फुटबॉल ने भाग लिया। तो 56 जो दूसरा दूसरी बार उन्होंने भाग लिया, भारत ने भाग लिया 1956 हेलसिंकी फिनलैंड में 15वां ओलंपिक में, दूसरी बार 1952 के हेलसिंकी में भारतीय टीम के कप्तान थे शैलेश मुन्ना। एंड भारतीय टीम, भारत की टीम यूगोस्लाविया से हार गई थी, ठीक है। एंड तीसरी बार भाग लिया 1956 के मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसमें उन्होंने, भारत ने 1956 तीसरी बार जब भाग लिया तो 1956 के मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए अभी तक का सबसे अच्छा स्कोर रहा है, सबसे अच्छा ओलंपिक रहा है फुटबॉल के क्षेत्र में 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक में, 16वां ओलंपिक में भारत चौथा स्थान, भारतीय टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया। एंड मेजबान जो मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया। भारत ने पहली व आखिरी बार ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया, ठीक है, पहली और आखिरी बार अच्छा प्रदर्शन किया था और चौथा स्थान प्राप्त किया था। तीसरी बार भाग लिया था 1956 में। एंड चौथी बार भाग लिया 1960 में रोम इटली, 17वां ओलंपिक में। एंड लगातार चौथी बार भाग लिया, लगातार चौथी बार, जैसे कि पहली बार 48 में, दूसरी बार 52 में, तीसरी बार 56 में और चौथी बार 1960 रोम इटली में लगातार चौथी बार भाग लिया। और चौथी बार में 1960 रोम इटली में भारतीय टीम के कप्तान जो है पीके बनर्जी थे। अब भारतीय फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और भारतीय टीम ने फ्रांस को 1-1 से हराकर बराबरी पर रोका। तो इस ओलंपिक के बाद भारतीय फुटबॉल जो है आज तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, ठीक है। 1960 के ओलंपिक के बाद आज तक फुटबॉल जो है ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई है, ठीक है। तो फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल ने ओलंपिक में 1948 में पहली बार भाग लिया, इसके कप्तान टीम टॉम बेंगल थे और भारत की तरफ से एकमात्र गोल सरंगा पानी रमन ने किया था। दूसरी बार भाग लिया 1952 हेलसिंकी फिनलैंड 15वां ओलंपिक में, टीम के कप्तान शैलेश मुन्ना थे और यूगोस्लाविया से हार गया था। तीसरी बार भाग लिया, चौथा स्थान प्राप्त किया, सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ, ठीक है, और आखिरी बार यह प्रदर्शन था। और चौथी बार भाग लिया 1960 रोम इटली में, भारत के कप्तान पीके बनर्जी थे, भारतीय फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई और भारत टीम ने फ्रांस को 1-1 हराकर बराबरी पर रोका। एंड इस ओलंपिक के बाद फुटबॉल के लिए, अब फुटबॉल जो है ओलंपिक में अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाई है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व कप ट्रॉफी, विश्व कप ट्रॉफी यानी कि विश्व फुटबॉल के विश्व कप विजेता को जूलियस रिमेट ट्रॉफी दिया जाता है। क्या ट्रॉफी? जूलियस रिमेट ट्रॉफी दिया जाता है जो 1970 तक दी जाती रही, ठीक है। 1970 तक फुटबॉल विश्व कप विजेता को जूलियस रिमेट ट्रॉफी दिया जाता रहा 1970 तक। 1970 के बाद फीफा कप दिया जाता है, 1970 के बाद क्या दिया जाता है? फीफा कप दिया जाता है। इस कप को फीफा कप एंड 20,000 US डॉलर कहते हैं, ठीक है, फीफा कप एंड 20,000 US डॉलर कहते हैं। तो दोस्तों ये था फुटबॉल खेल के इतिहास से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद है।